हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर आल्सो नोन एज स्टोरेज बबल्स। वैक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको स्टोरेज बबल्स भी कहा जाता है। दे आर फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल बट मच लार्जर इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल की खोज सबसे पहले डुजार्डिन द्वारा की गई थी। इन यंग प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ड्यूरिंग डिवीजन इलोंगेशन देर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल बट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डज नॉट इंक्रीज। एज अ रिजल्ट बबल्स आर फॉर्म। दीज बबल्स और वैक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल। तरुण पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य समान रूप से फैला रहता है। विभेदन व दीर्घीकरण के दौरान कोशिका के आकार में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य की मात्रा में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। फलस्वरूप कोशिका में कई सूक्ष्म रिक्तियां बन जाती हैं जो शीघ्र ही संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है। यह कोशिका के केंद्रीय भाग में स्थित होती है। प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर नोन एज सैप वैक्यूल्स। प्लांट सेल के वैक्यूल्स को सैप वैक्यूल्स कहा जाता है। दे आर फ्लूइड वैक्यूल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स हैं वो कोशिका द्रव्य से एक पारगम्य झिल्ली से सेपरेटेड रहते हैं, जिनको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द पैसेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। इन मैच्योर सेल्स स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच ऑक्यूपाइज अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मैच्योर प्लांट सेल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे वैक्यूल्स इकट्ठे होकर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं जो सेल के 90% हिस्से को कवर करता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्प्रेड द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ थिन पेरिफेरल लेयर। एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक पेरिफेरल लेयर के समान नजर। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सैप वैक्यूल्स इज ऑफन कॉल्ड सैप और वैक्यूलर सैप। सैप वैक्यूल्स के अंदर जो द्रव्य मौजूद होता है उसको हम सैप या वैक्यूलर सैप भी कहते हैं। इट कंटेन्स मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, एस्टर्स, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कॉल्ड एंथोसायनिन। सम क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स में ऑल्सो ऑकर। रिक्तिकाओं में तनु विलयन भरा होता है, इसे कोशिका रस या धानी रस कहते हैं। यह उदासीन, न्यूट्रल या तनु अम्लीय प्रकृति का होता है। कोशिका रस में कई पदार्थ घुलित रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे खनिज लवण, क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, इनुलिन, अमाइलेट्स, अमीनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्जैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, उत्सर्जी पदार्थ जैसे टैनिन, अल्कोलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स आदि। कुछ पादपों में कोशिका रस में एंथोसायनिन वर्णक भी घुले रहते हैं, जिससे पर्णों व पुष्पों में बैंगनी, लाल व नीले रंग उत्पन्न होते हैं। टोनोप्लास्ट हैज साइट्स फॉर द पैसेज ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स इनटू वैक्यूल अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। टोनोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके कारण आयंस और मटेरियल्स वैक्यूल के अंदर और बाहर जा सकते हैं, जिसके कारण वैक्यूल की सांद्रता बढ़ जाती है कोशिका द्रव्य के मुकाबले में। एज अ रिजल्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट हाई इन वैक्यूल एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। टोनोप्लास्ट में स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल सुक्रोज। टोनोप्लास्ट के अंदर एक स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सुक्रोज। द सैप वैक्यूल स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। स्टोर सैप वैक्यूल्स जो है वह कॉन्सेंट्रेटेड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। द वैक्यूल स्टोर्स मटेरियल्स लाइक वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। दे कैन ब्रेक वेस्ट प्रोडक्ट इनटू स्मॉल पीसेस दैट कैन हर्ट द सेल। वैक्यूल का पहला फंक्शन ये है कि वह वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एकत्रित करता है। यह वेस्ट प्रोडक्ट्स को छोटे पीसेस में तोड़ देता है जिसके से सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे।
दूसरा फंक्शन है मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. द मेन रोल ऑफ द वैक्यूल इज टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. टोनोप्लास्ट अलाउ द सेंट्रल फ्लो ऑफ वाटर इन टू एंड आउट ऑफ द वैक्यूल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर विल डिफ्यूज इन टू द वैक्यूल प्लेसिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल. द वाटर लूज लीड्स टू डिक्लाइन इन टर्गर प्रेशर. द सेल विल प्लाज्मोलाइज. वैक्यूल का मेन फंक्शन जो है वह आशूनता को बनाए रखना है, जो कोशिकाओं के कार्य के रूप में सक्रिय रखने के लिए आवश्यक होती है. टोनोप्लास्ट जो है पानी का आवागमन वैक्यूल के द्वारा सेल के अंदर करता है. ऑस्मोसिस के कारण पानी जो है वह वैक्यूल के अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है. अगर सेल ने पानी को लूज़ कर दिया और टर्गर प्रेशर कम हो गया तो सेल के अंदर प्लाज्मोलिसिस हो जाता है. जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पहले वैक्यूल के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन होने के कारण प्लांट के अंदर सेल में प्लाज्मोलिसिस नहीं हो रहा था, लेकिन पानी की कमी होने के कारण इसके अंदर प्लाज्मोलिसिस हुआ और प्लांट मुरझा गया. नेक्स्ट फंक्शन इज इलोंगेशन और स्ट्रेचिंग. टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वैक्यूल इज असेंशियल इन सपोर्टिंग प्लांट इन अपराइट पोजिशन. कोशिका विवर्धन द्वारा कोशिका वृद्धि में भी सहायक होता है. सेल इलोंगेशन हेल्प्स इन सेल डेवलपमेंट. सेल इलोंगेशन के कारण सेल का डेवलपमेंट भी होता है. वाटर सोल्यूबल पिगमेंट प्रोवाइड कलरेशन टू द सेल. The most common water-soluble vacuolar pigments are anthocyanin, anthoxanthin. They provide coloration to flowers in rose, violet, dahlia, etc. The pigment attract pollinating and dispersing agencies. Vacuoles के अंदर कुछ pigments present होते हैं, जैसे कि anthocyanin, red, blue और purple color देता है. Anthoxanthin जो ivory या deep yellow color देता है. ये पिगमेंट जो है वह परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करने में भी सहायक होते हैं. सम प्लांट वैक्यूल्स हैव स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एसिडिक पीएच, अ बैटरी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड फंक्शन एज लाइसोसोम्स. कुछ प्लांट वैक्यूल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनका पीएच एसिडिक होता है और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिसके कारण वैक्यूल्स लाइसोसोम्स की तरह भी कार्य करते हैं. टैनिन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. वैक्यूल्स के अंदर टैनिन्स भी पाए जाते हैं. लेटेक्स इज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स और वैक्यूलर कैनाल्स. जो रबर प्लांट के अंदर लेटेक्स पाया जाता है वह भी वैक्यूल्स के अंदर ही मिलता है. सो वैक्यूल्स ऑफ रबर प्लांट एक्ट एज अ साइट ऑफ रबर स्टोरेज. अल्कलॉइड्स एंड टैनिन स्टोर्ड इन वैक्यूल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवरस. कई पौधों में रिक्तियों में अल्कलॉइड्स का संग्रह होता है, इस कारण शाक भक्षी इन पौधों को नहीं खा सकते. वैक्यूल्स जो है प्लांट के पीएच को भी मेंटेन करता है. थैंक यू.